जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। कैराना संसदीय सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और कैराना संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है। आज इकरा हसन का जो कार्यक्रम है वो गंगो विधानसभा सीट के गुर्जर बाहुल्य गाँव में है। तो कुछ कैराना और कहांदला ब्लॉक से कुछ जिम्मेदार लोग उनके साथ चले हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का माहौल कैराना संसदीय सीट पर देख रहे हैं। रमीर भाई, स्वागत है आपका एलकेबी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं कैराना संसदीय सीट के? देखिए, ये एक बहुचर्चित सीट है और इतने मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव को लड़ रहा है कि इकरा हसन जी लाखों के लाखों वोटों से जीत करके जाएगी। और जैसे कह रहे थे कि भैया ये प्रदीप सांसद जी के गांव है, हिंदू बाहुल्य गांव है, वहां पे प्रोग्राम नहीं हो रहे। अब आप देख लो कि जितने भी आज प्रोग्राम है सारे गुज्जर बाहुल्य, हिंदू गुज्जर बाहुल्य ही गांव है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम यहां पे हो रहे हैं जहां पे भारी समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ शामली से जो ग्राम प्रधान है फिलहाल, वो भी हमारे साथ इस जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको इधर। तो इतना बढ़िया चुनाव अभियान चल रहा है यहाँ पे कि लाखों लाखों की संख्या में जीत करके जाएंगे यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी एक और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है, वहीं देश में 400 सीटें पार करने का बात कर रही है। नहीं, वो दावा कर सकती है। देखो, वो तो जुमलों की सरकार है, आपको पता ही है, उनके तो वो 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए किसी के भी। वो जो लाखों लाख करोड़ में नौकरियां मिलनी थी वो आज तक नहीं मिल पाई, तो वो तो अक्सर ऐसा कहते ही है। ऐसा नहीं है, 80 की 80 यहाँ पे सीटें जो है ये इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है। बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और ये आप पहली हमारी ये लोकसभा है, दूसरी लोकसभा ये कराना है, पहली सहारनपुर है, आप दोनों सीटों को देख लीजिए। आज यहाँ पे हवा बिल्कुल बदल चुकी है, एक तरफा यहाँ पे इंडिया गठबंधन की लहर है, बीजेपी कहीं भी चुनाव में नहीं है। जी प्रधान जी, चल रहे चुनाव प्रचार में किस तरह का माहौल देख रहे हैं कैराना संसदीय सीट पर? माहौल तो आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, बहन इकरा हसन का कारवा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आप लोगों ने अभी इस खोसपुरा गांव में ये प्रचार प्रसार देखा और हम शामली जनपद के कांदला ब्लॉक से सभी प्रधान उनके प्रचार प्रसार के दिनरात निकले हुए हैं। प्रधान जी, अभी मैं एक गुर्जर बाहुल्य गांव में था, बीराखेड़ी में, तो वहां मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं, जब टाइम आएगा तो मना लेंगे। देखिए, रिश्तेदारी एक अलग चीज है। रिश्तेदारी में अगर हमारे घर परिवार में कोई मनमुटाव है तो रिश्तेदार आकर उसको मना सकते हैं, लेकिन राजनीति एक अलग पॉइंट है। राजनीति हमेशा प्रधान लोग अपने हिसाब से करते हैं, उसमें रिश्तेदारी का कोई रोल नहीं होता है। राजनीति का यह है, देखिए हमारे कांदला ब्लॉक में बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जो बीजेपी के वर्तमान सांसद प्रदीप से बहुत परेशान हैं। हमारे कांदला ब्लॉक का एक गांव रसूलपुर गुजरान है, उस रसूलपुर गुजरान के लोगों ने 94% वोट से प्रदीप जी को विजयी बनाया था, लेकिन वहां क्या हुआ, चुनाव के समय जब ठप्पा लग रहा था बीजेपी का, और ठप्पा लगने के समय कुछ गोली चल गई थी और गोली चलने से वहां पर 29 लोगों के मुकदमे हुए थे। तो गांव रसूलपुर के वर्तमान प्रधान और वहां के लोग माननीय सांसद जी के पास गए कि हमने आपको 94% वोट दिया और 94% वोट का नतीजा हमें ये मिला कि 29 लोगों पर मुकदमे, 6 लड़के सरकारी नौकरी पर थे, उनकी नौकरी छूट गई। तो माननीय सांसद जी ने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, और स्थिति ये रही कि 5 साल सांसद जी के अपने कार्यकाल में एक भी दिन रसूलपुर गुजरान में इसलिए नहीं गए कि वे कौन कौन से बच्चे हैं जिन पर मुकदमे हैं और मैं कौन कौन लोग हैं जो मेरे कारण मुकदमे झेल रहे हैं। तो हम ऐसे एमपी का क्या करें। अभी एक कांदला ब्लॉक का गांव किवाणा है, माननीय सांसद साहब ने उसको गोद लिया था, ग्राम पंचायत किवाणा को गोद लिया था और वहां के प्रधान को कहा था कि आपके गांव को 100% संतृप्त करेंगे, और आज तक उस गांव में 10 रुपए की भी कोई काम नहीं है। आप एक बताओ, ऐसे सांसद अगर प्रधान लोगों को, गांव के जिम्मेदार लोगों को और गांव के लोगों को बहकाओगे तो हम इस सरकार का क्या करेंगे। हम ऐसे सांसद के साथ जुड़ना चाहते हैं जो दिन रात पब्लिक की सुने। अरे शामली जिले में तो ऐसे ऐसे चबूतरे हैं, मनीष चौहान एक ऐसा सितारा था जिसकी एक आवाज पर लाखों लड़के निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिग्गज व्यक्ति का, उस दिग्गज नेता का, उस समाज के नेता का टिकट काटकर प्रदीप को टिकट दिया, बहुत गलत किया, और ये उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। माननीय नाहिद हसन, उनकी बहन इकरा हसन, एक बहुत ही शानदार जिनका व्यक्तित्व आज चुनाव में है और हम सब दिन रात उनके साथ लगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे हमारे पास बहुत से, लेकिन उन्होंने इकरा हसन का साथ दिया, इसलिए साथ दिया
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है जिसका गांव में गांव की प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। हमें ऐसे वर्तमान सांसद को साथ नहीं देना है, ऐसे सांसद का जो हमारी ना सुने, जनप्रतिनिधियों की ना सुने और गांव की ना सुने। इसलिए हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। मनीष जी जैसा नेता नहीं मिल पाने का उनको, अगर मैं अब भी ये टिकट काट कर उनको देते हैं तो ये बहुत बड़ा इकरासन उनको टक्कर दे सकती है, नहीं तो इकरासन 5 लाख वोटों से विजयी हो रही है। अगर मनीष चौहान का टिकट हो जाए तो फिर आप किसके साथ रहेंगे? हम इकरासन के साथ रहेंगे। जो प्रधान इकरासन के साथ निकल गए वो निकल गए। प्रधान लोगों का अपना व्यक्तित्व होता है, अपना चरित्र होता है, वे निकल गए। ये तो बीजेपी देखेगी। बीजेपी ने मनीष का टिकट ना करके प्रदीप को टिकट दिया और 100 वर्तमान प्रधान तुरंत मनीष का टिकट करते ही एकदम इकरासन के समर्थन में आ गए और उनकी पत्थर की लकीर है। समाजवादी के कैंडिडेट को, इकरासन को दिन रात मेहनत करके, गांव के लोग मेहनत करके, गांव के प्रधान मेहनत करके विजयी बना के पीछे हटेंगे, इससे पहले पीछे हटने वाले नहीं है। प्रधान जी, 84 कलशान खाप की एकता क्या बूथ तक भी पहुंच पाएगी या बस ऐसी चुनावी? नहीं नहीं, चुनावी माहौल की ऐसी कोई बात नहीं। 84 खाप जो हमारी है वो सभी बूथ तक जाएगी और एक बहन इकरासन को विजय बनाया जाएगा। किस तरह का माहौल देख रहे हैं प्रधान जी? आप भी लगातार चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल कैराना संसदीय सीट पर है? कैराना में तो सीधा सा माहौल है कि इकरासन का प्रोग्राम पूरा जोर शोर से है और इकरासन बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि 84 खाप की एकता, वही अब 52 की एकता की भी बात चल रही है और वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं 84 वाले भी उन्हें भी मना लेंगे। 84 खाप ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि वो बटा रहे, हम कल्याण है। ये तो उनकी खुद की सोच है, मानसिकता उन लोगों की। हमने तो कभी गुजरों को बांटने का काम नहीं किया। गुजरों को बांटने का काम तो उन लोगों ने स्टार्ट किया, हमने तो जब भी कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक प्रत्याशी है अपना, उसका साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर। गुजरों को बांटने का काम उन लोगों का है, जाति धर्म हम नहीं बांटते किसी को भी। अभी अभी बीरा खेड़ी में था तो वो कह रहे थे कि जब प्रदीप बाबू उकम सिंह जी, स्वर्गीय बाबू उकम सिंह जी सांसद थे तो वो इस क्षेत्र में नहीं आते थे। नहीं, क्षेत्र में तो सब लोग देखो क्षेत्र में नहीं आते थे, तो किया था बाबू उकम सिंह ने पूरे क्षेत्र में। देखो अब येरा गांव में, जेरा गांव है, यहाँ पे बिजली कर दिया बाबू उकम सिंह ने। क्या वो बिना आए मिल गया उकम सिंह बाबू जी ने? साहब भी तो कह रहे हैं कि सामली के बाईपास का हमने कौन सा बाईपास? एक तो बाईपास बताइए कौन सा। अगर वो सांसद ने बाईपास बना दिया तो NHI कहाँ जाएगी? जो लोगों से टैक्स वसूल रही भाई, लोगों से जो टैक्स वसूल रहे NHI, वो कहाँ जाएगी? तो NHI निर्मला सांसद जी अपना बोर्ड लगा दे। LM के रेलवे स्टेशन की बात वो लगातार चुनावी प्रचार के दौरान कर रहे हैं, इसके अलावा कई और विकास कार्य। LM का रेलवे स्टेशन तो आज से नहीं, बहुत काफी सौंदर्यकरण तो काफी। देखो सरकार का काम है, नेता का काम है अपनी व्याख्या करना। रेलवे एक अलग बोर्ड है और अब उसका खुद का सौंदर्यकरण रेलवे करा सकती है, सक्षम है रेलवे। नेता का काम जनता की आवाज को उठाना, सरकार को बताना है। जनता की आवाज को अगर दबाने के काम करेंगे तो जनता तो अपने वोट से जवाब देगी और वो जवाब देने का कार्य ये जनता प्रदीप जी को करेगी। प्रधान जी, कैराना जैसी संसदीय सीट जो बेहद हॉट सीट रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कैराना चर्चाओं में रहता है, तो कैराना संसदीय सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, क्या यहाँ पर कैराना में मिथक टूट पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को टिकट देकर बहुत गलत किया। जो आदमी 5 वर्ष तक किसी गांव में गया नहीं, अगर उसकी पहचान अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और रही चौधरी इकरासन जी, कम से कम 5-6 लाख वोटों से अगर ना जीती तो कुछ नहीं। एक तरफा चुनाव माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह का लग रहा है? एक तरफा माहौल है भाई उनके। बट बावनी आपने कहा, अभी बावनी में क्या चल रहा है? बावनी में आप सब हो ही, बावनी में आप देख रहे हो कि कैसे रसूलपुर गुजरान के प्रधान जी है, वर्तमान बीती ये बता सकते हैं माननीय सांसद जी, इनके गांव में 5 साल आज तक नहीं गए, 29 लोगों पर मुकदमे हैं, 94% वोटिंग किया हुआ है उन लोगों ने और फिर भी मुकदमे हैं। माननीय प्रधान जी है, इनसे बात करो आप। रसूलपुर जो काफी चर्चाओं में है इस लोकसभा चुनाव में, वहाँ के प्रधान जी हैं राकेश जी हमारे साथ। प्रधान जी, पूरा माहौल ही बदल दिया आपके गांव ने? भाजी माहौल बदल दिया और भी बदलेगा जी। इब तो 2 लाख तक है जीत है, या जीत होगी 4 लाख तक जी इकरासन की। माहौल बदल रहा है? हाँ जी, माहौल बदल गया। अब बसपा भी साथ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल भी साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जब तो दोनों दल साथ थे, जब भी हम 90,000 वोटों से जीते थे। अजी एक बात बताओ, तुम जाट प्रधान मेरी साहब आज भी दसाने ने तैयार थे, ठीक? हमने कहा अब लेकर आएंगे जी, हमने कहा मका जी कल आइयो, जाट प्रधान जी
बता हम कैसे कह देंगे जी, लोक दल उनके साथ प्रोग्राम थे जिस वजह से नहीं आ पाए, कोई शादी थी, कोई तेरवी थी, कल या परसों जब भी प्रोग्राम होगा बहन इकरा शासन के साथ आपको राष्ट्रीय लोक दल के जाट के जाटों के गांव, जाटों के गांव के प्रधान आपको दिखाई देंगे। तो अब किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? चुनाव जी इकरा शासन एक तरफ अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कह रही है 80 की 80 सीटें जीतेगी। अजी 80 की 80 जीतेगी समाजवादी जीतेगी जी। अगर मनीष चौहान जी का टिकट हो जाता फिर क्या रहता? देखो जी मनीष चौहान के साथ थे। फिर 80 की 80 सीट भाजपा। देखो कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट को है जी, कैंडिडेट ने पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। मनीष चौहान है पब्लिक के बीच में जाते हैं, इकरा हसन है पब्लिक के बीच में जाती है, तो पब्लिक ने क्या चाहिए? काम तो सब अपने चला रहे जी, अपनी ये है उसे काम है। देखो हमारे यहाँ 29 लड़कों पर मुकदमे लगे, अगर सांसद जी के लिए दो बार फाइल लेगा, मैं कहा जी मेरे पास गाड़ी नहीं है जी, 4000 में गाड़ी करके किराए पर लेगा मैं, और 10 लोग गांव के जिम्मेदार 10 लोग ले गया जी। सांसद साहब ने एक बार नहीं सुनी, बता हम कैसे वोट देते हैं। और फिर रही बात कार्य करने के चबूतरे दो ही तो हैं हमारे पास, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, एक इधर मनोहर हसन जी का, बाबू कम सिंह जी का भी तो है। हाँ बाबू कम सिंह जी आगे तो उनका टिकट थोड़ा ना है, उनका टिकट थोड़ा ना, टिकट किसका है? इकरा बहन जी का है, तो हम इकरा बहन जी के साथ हैं। देखिए कार्य की तो वहाँ पे कमी नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कार्य की तो कमी वहाँ पे है नहीं, मान सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात हुई है। देखिए जिले के मालिक हुए हैं, MLC है, कार्य की तो कमी है नहीं। अगर जो दुख सुख की नहीं सुनेगा, 5 साल तक पिट गए चित गए जाके उनके दुख सुख का पता नहीं लिया, तो देखो हम ऐसे सांसद को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी शामली के अंदर माननीय वर्तमान सांसद प्रदीप जी, इनके उस उद्घाटन हुआ था पार्टी कार्यालय का, और शामली जिले के कांधला ब्लॉक का कोई भी प्रधान उन्होंने इनवाइट नहीं किया। उनके मन में पहले से ही ये भावना है, हीन भावना है, वे किसी भी प्रधान को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, योगी मोदी फूल कोट मिलते हैं, प्रजा में जाने से कोई लाभ नहीं है, किसी प्रधान से मिलने से कोई लाभ नहीं है। उनके दिमाग बहुत ऊपर गए हैं, और अब की बार प्रजा इसका जवाब देगी और शामली जिले के लोग इसका जवाब देंगे। हम देख रहे हैं सहारनपुर में कितना उत्साह है, हम जब आते हैं तो हमारा मन बहुत उत्साहित होता है। इकरा हसन के साथ दिनराज चुनाव में यहाँ के सहारनपुर के नकुट विधानसभा में एक दो दिन पहले बहुत जबरदस्त हिंदू गुजरों के गाँव में प्रोग्राम था, तो क्या ये बदलाव की स्थिति नहीं है? ये बदलाव माननीय सांसद जी ने अपने खुद कार्य उससे किया है, किसी भी गाँव में न जाकर और किसी भी आदमी का सम्मान न करके उन्होंने ये काम किया। तो कैराना संसदीय सीट के कांधला ब्लॉक के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी राय आपने सुनी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया